Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to chapter number 3 of your grade 10 English. Today the topic is a poem, Try Again. Okay, so this is a poem. And dear students, this poem is penned by, written by actually W.E. Hickson. So, William Edward Hickson iska pura naam hai, ye uski tasveer hai, yahan se aap dekh sakte hain, clear? So, ye hai William एडवर्ड हिक्सन. सो आपकी पोएम में लिखा होगा डब्ल्यू ई हिक्सन, एच आई सी के हिक एस वन सन. तो ये यहाँ पे आप गौर से देखें तो इसकी कोटेशन जो वन ऑफ द बेस्ट कोटेशन है, टॉप कोटेशन है, वो है इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई ट्राई अगेन. अगर आप शुरू में कामयाब नहीं होते तो ट्राई अगेन करो. तो यही आज का हमारा टॉपिक है. ओके, सो लेट स्टार्ट. वो कहता है ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप कहेंगे कुछ मिस्टेक है, यानी आप कहेंगे कुछ गड़बड़ है, ये क्या लिखा हुआ है एट. तो ये टिस यानी इट इज़ अ लेसन, यहाँ पर आई मिसिंग है, क्लियर? क्या मिसिंग है? आई. सो इट्स अ लेसन यानी टिस अ लेसन यू शुड हीड. अब हीड का मतलब क्या होता है? अली अदर तवज्जो देना. ओके, सो यासर तालिश प्लीज फोकस. सो हीड का मतलब होता है पे अटेंशन. सो कहता है इफ इट इज़ अ लेसन यू शुड हीड. उसने कहा ये आज आपको पहला लेसन मिला जिस पे आपने तवज्जो देनी है, वो क्या है? ट्राई अगेन. सो फिर से कोशिश करो. इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर पहली कोशिश में कामयाब नहीं होते, एट फर्स्ट का मतलब है एट फर्स्ट अटैम्प्ट, यू डोंट सक्सीड यानी यू फेल, तो क्या करना है फिर? रोना नहीं है, ट्राई अगेन. सो देन योर करेज शुड अपीयर. तो आप ट्राई अगेन करेंगे तो आपकी हिम्मत फिर से निकल आएगी, फिर से जाहिर होगी, शो होगी, इमर्ज हो जाएगी, क्लियर? सो फिर क्या होगा, करेज आपकी री अपीयर होगी. फॉर क्योंकि इफ़ यू विल परजीवियर, अगर तुम परजीवियर करोगे, परजीवियर डेयर स्टूडेंट आपको पता है डटे रहना, इस्तकलाल का मुजाहरा करना, परसिस्टेंट रहना, डिटरमेंट रहना, क्लियर? सो कहता है अगर आप डटे रहे अपने पाँव पर तो क्या होगा, यू विल कॉन्कर, आप जीत जाओगे. कॉन्कर कॉन्क्वेस्ट से निकला, क्लियर? सो फतह जियाब होना, कामयाबी से हम किनार होना. सो नेवर फियर, यहाँ से आपको किंग रॉबर्ट ब्रूस की याद आ रही होगी. कौन सा? किंग रॉबर्ट ब्रूस, जिसने क्या किया था, 16-17 हमले किए थे, सुल्तान महमूद गजनी जिसने 16 हमले किए थे 17, तो हिंदुस्तान पे तो नाकाम लौटा और आखिरकार क्या हुआ, कामयाब हो गया, क्लियर? तो यही वो उस पोएम का थीम है, समझ लें, ट्राई अगेन. सो फिर से जो पोइट है वो क्या कह रहा है, ट्राई अगेन. सो यू विल कॉन्कर, नेवर फियर, ट्राई अगेन. उसके बाद अब दूसरा जो स्टैंजा शुरू हो रहा है हमारा पोएम का, पोएम का जो पैराग्राफ नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है स्टैंजा. अलियान मुनीर प्लीज़ फोकस. ओके, सो उसमें अब पोइट क्या कह रहा है, उसमें कहता है कि वंस और ट्वाइस, अब ये गौर से देखना, वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, कहता है वंस और ट्वाइस एक या दो बार, दो अगरचे, इफ़ यू शुड फेल, अगर आप फेल हो ही जाते हैं, वॉट इफ़ यू फेल वंस और ट्वाइस, एक या दो बार फेल हो जाते हैं तो क्या हुआ, If you would at last prevail, clear? So आखिरकार तो आपने कामयाब होना ही है. Prevail का मतलब क्या होता है dear student? Dominate करना, छा जाना, clear? तो आखिरकार तो आप छा ही जाओगे, जीत ही जाओगे. इसीलिए तो मैं क्या कहता हूँ, poet क्या कहता है, try again. कहता है नाकामी के बाद कामयाबी है, काले बादल के बाद जो डार्क क्लाउड के साथ एक सिल्वर लाइनिंग है, होप होती है, क्लियर? एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, क्लियर? बुरे दिनों के साथ अच्छे दिन भी आते हैं. सो फिर पोइट क्या कहता है, इफ़ वी स्ट्राइव, टिस नॉट अ डे, इफ़ वी स्ट्राइव, अगर हम कोशिश करते हैं, स्ट्राइव क्या होता है, स्ट्रगल, अगर हम स्ट्रगल करते हैं तो कहता है टिस यानी इट इज़ नो डिस्ग्रेस. स्ट्रगल में, मेहनत में जिल्लत नहीं है स्टूडेंट्स, इट्स नो डिस्ग्रेस, ये जिल्लत नहीं है. डिस्ग्रेस क्या होगा, जिल्लत, ह्यूमिलिएशन, तो डिस्ग्रेस नहीं है तो क्या है, दो वी डिड नॉट विन, कहता क्या हुआ कि हम नहीं जीते, व्हाट्स इफ यू डोंट विन, क्लियर? द रेस, अगर हम दौड़ या मुकाबला जीते ही नहीं है तो क्या हुआ, व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, कहते बताओ अगर हार गए हो मुकाबला, रेस का मतलब दौड़ भी है लेकिन कंपटीशन भी, सो व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, तो कहता उस केस में आपने करना क्या है, एक ही काम है जिस पे जो करना है वो ट्राई अगेन है. एंड नाउ वी मूव टू थर्ड स्टैंजा. थर्ड स्टैंजा में है कि अब ये भी पोएट आपको पूछ, एग्जामिनर पूछ सकता है कि हाउ मैनी स्टैंजाज आर देर इन द पोएम. सो तीन स्टैंजा, दिस इज़ द थर्ड स्टैंजा. सो कहता है इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, आपको लगे कि आपका काम बहुत मुश्किल है, जैसे पढ़ाई आपके लिए मुश्किल है. ओके, सो इरहाम इकबाल प्लीज़ फोकस.
तो ट्राई अगेन, तो कहता आपको लगे काम मुश्किल है, पढ़ाई मुश्किल है, फिर से कोशिश करो, शायद आप दोबारा पढ़ोगे तो आसान लगे। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, एक वक्त आएगा कि आपको आपका रिवॉर्ड यानी सिला मिल जाएगा, क्लियर, क्योंकि वक्त एक ऐसा आएगा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड क्या होगा आपका सिला होगा, ठीक है। तो रिवॉर्ड लेने के बाद लेने के लिए करना क्या है, आपने ट्राई अगेन करना है, क्लियर, यानी आप जो भी कुछ करें ट्राई अगेन, नाकामी के बाद कामयाबी के एक ही कुंजी है, एक ही रास्ता, ट्राई अगेन, ऑल दैट अदर फॉक कैन डू। अब यहाँ पे फॉक जो होता है वे एस भी होता है, फॉक्स लोग कहते हैं, पीपल, अगर सारे दूसरे लोग कर सकते हैं तो तुम्हें क्या मौत पड़ती है, क्लियर, वाई दिस पैशन, क्लियर, शुड नॉट यू, वाई विद, सॉरी यहाँ पे क्या ये दिस नहीं है बल्कि विद है, क्या है, विद, सो वाई विद पेशेंस, तो फिर सबर और तहमुल के साथ, यू शुड नॉट यू, तो आप क्यों नहीं कर सकते, यानी कि आपको पेशेंस चाहिए, तहमुल चाहिए कि कोई बात नहीं, हार गए तो क्या हुआ, वट इफ द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, द डिटर्मिनेशन इज देयर, क्लियर, सो क्या हुआ, हार गए, क्लियर, क्या मैदान में दोबारा दाखिला नहीं होगा, फिर जीत सकते हैं, सो ओनली कीप दिस रूल इन व्यू। तो आज पोएट आपको एक रूल दे के जा रहा है, जाते जाते हदिया करके जा रहा है एक रूल, वो क्या कहता है, ये रूल मैं दे के जा रहा हूँ अपना ज़िंदगी का, इसको कानून बना लो बच्चो, इसको अपना जवाबत में से बना लो, वो रूल कौन सा है, वो रूल ट्राई अगेन है, क्या है, ट्राई अगेन। सो अब हम समरी की तरफ चलते हैं, सो डियर स्टूडेंट्स अब हम समरी करते हैं, समरी है किस पोएम की, ट्राई अगेन की, क्लियर, सो दिस शॉर्ट, ये मुख्तसर तो है, आपने देखा कितनी छोटी है, बट थॉट प्रोवोकिंग पोएम, यानी आपको एक लम्हा फिक्रिया देती है, क्लियर, हैज़ बीन रिटन बाई डब्ल्यू ई हिक्सन, एन अनफॉरगेटेबल मैसेज इज गिवन टू द रीडर्स, अब कारेन को एक नाकाबले फरामोश मैसेज दिया है, और याद रखें स्पेशली टू द यंग माइंड्स को है, उसके बाद ये कोटेशन आपने याद करनी है, क्लियर, फॉर इफ़ यू विल परसिवियर, अगर आप डटे रहे अपने पाँव पे अड़े रहे तो यू विल कॉन्कर नेवर फियर, जीत जाओगे, डरना नहीं है, देखो फियर भी नहीं करना, एक तो परसिवियर करना है, डटे रहना है, दूसरा फियर नहीं करना, क्लियर, ये प्रिजर्व वर्ड गलत है, परसिवियर सही है, ठीक है, पी ई आर एस सी वी ई आर ई। सो उसके बाद जो पोएट कहता है कि कंटिन्यू स्ट्रगल, एंड एक तो स्ट्रगल आपकी क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस, क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस, एंड अनटायरिंग एफर्ट्स, और अनटायरिंग एफर्ट्स जो हैं आर द रिक्वायरमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ अल्टीमेट टारगेट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको अल्टीमेट यानी टारगेट, आखिरी फाइनल टारगेट मिल जाए, तो उसके अचीवमेंट के लिए क्या करना है, आपको दो चीज़ें चाहिए, एक कंटिन्यूस स्ट्रगल और दूसरा अनटायरिंग एफर्ट्स, ऐसी एफर्ट जो आपको थकाए ना, कि यार मुझे तो इसने थका दिया, मैंने बस कर दिया, क्लियर, इसी तरह फेलियर इज लेसन, फेलियर इज अ लेसन फॉर डिटरमिंड पीपल, सो डिटरमिंड पीपल जो अजम समीम वाले लोग हैं उनके लिए तो कामयाबी एक सबक लेके आती है, क्लियर, द रोड टू सक्सेस इज पंक्चुएटेड विद मैनी टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस, कामयाबी का रास्ता जो है वो उसमें बहुत सी टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस हैं, यानी रुकने कई जगह ऐसी आती हैं, आपका दिल चाहता है अपना एम्बिशन मिशन छोड़ के किसी और की तरफ चले जाएं, तो ये टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस हैं जो आपकी तवज्जो हटाती हैं, जैसे आप पढ़ते वक्त मोबाइल आपके लिए टेम्पटिंग पार्किंग, तो पंक्चुएटेड यानी भरी हुई है, क्लियर, इफ वी फेल इन द फर्स्ट अटैम्प्ट वी शुड नॉट गिव अप आवर स्ट्रगल, तो पहली अटैम्प्ट में नाकाम होने के बाद स्ट्रगल छोड़नी नहीं है, इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन। इसके बाद पॉइंट कहता है कि वी मस्ट शो दैट वी आर बोल्ड एंड एक्सेप्ट आवर डिफीट विद ओपन हार्ट, नाकामी को बोल्ड, बहादुरी ये है कि आप अपनी नाकामी को कबूल करें, वी शुड नॉट बी डिजेक्टेड ऑन आवर डिफीट, हमें अपनी नाकामी पर परेशान नहीं होना, डिजेक्टेड क्या होता है, सैड होना, डिफीट नाकामी पर, क्लियर, इंस्टेड बल्कि वी शुड इंटेंड टू टेक फर्म एंड डिटरमिंड स्टेप्स विद फर्म रेजोल्यूशन, पुख्ता अजम के साथ हमने पक्के स्टेप्स लेने हैं, वी शुड रियलाइज दैट हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, ये जेन में बिठा लो कि कामयाबी की कुंजी जो हार्ड वर्क है, आफ्टर ऑल अनटायरिंग एंड कंटिन्यूस एफर्ट्स, एक तो एफर्ट कंटिन्यू है, दूसरी आपको थकाए ना, अनटायरिंग होनी चाहिए, विल यील्ड वो पैदा करेंगे, यील्ड क्या होता है, पैदा करना, स्वीट फ्रूट, उनका फल भी मज़ेदार होगा, दस वी शुड ऑलवेज कंसिडर द लेसन ट्राई अगेन, क्लियर, सो वी मस्ट नो दैट इफ ऑल पीपल कैन डू देयर जॉब, अगर सारे लोग अपना काम कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो डू आवर्स, तो हम अपना कर सकते हैं विद पेशेंस, यहाँ पे विद पेशेंस ऐड कर लें, द ओनली कंसिडरेबल थिंग इज दैट वी शुड नेवर गेट
डिसअपॉइंटेड, परेशान नहीं होना, कंटिन्यूस एफर्ट इज़ द ओनली वे दैट लीड्स टू सक्सेस, मुसलसल कामयाबी ही कामयाबी का रास्ता है, मुसलसल जो एफर्ट है वो कामयाबी का रास्ता है।